हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं नीट रूट्स। और आज के सेशन में हम काली लिनक्स को अच्छे से यूज करना और उसके साथ फैमिलियर होना सीखेंगे। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं आखिर काली लिनक्स है क्या। काली लिनक्स एक ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी रिसर्च, कंप्यूटर फोरेंसिक और रिवर्स इंजीनियरिंग जैसे कामों के लिए यूज होती है। इसको मेनली हैकर्स या फिर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स यूज करते हैं। और ये फ्री और बहुत ही पोर्टेबल होने की वजह से इसको सभी हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर इम्पोर्टेंस देते हैं। एक्चुअली गाइस, काली लिनक्स विंडोज की ही तरह काम करता है, बट इसमें हम CLI का बहुत ज्यादा यूज करते हैं GUI से। तो जैसे कि हम विंडोज में यूज करते हैं, वहां पर जो भी हमें काम करना होता है तो उसको हम अपने कर्सियर के हेल्प से या फिर अपने टच स्क्रीन की हेल्प से हम उस पर चेंजेस करते हैं। लाइक अगर मुझे कोई फोल्डर बनाना है या फिर मुझे कोई TXT फाइल बनाना है या किसी चीज़ को कहीं से कहीं मूव करना है या फिर कोई टूल इंस्टॉल करना है या कुछ करना है, उसके लिए हम अपने कर्सियर का या फिर अपने GUI का हेल्प लेते हैं। यहाँ से सिंपल तरीके से, जैसे कि विंडोज़ में होता है, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट कट मूव और यहाँ पर हम कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने GUI की हेल्प से। उसी तरह से काली लिनक्स में GUI के साथ साथ यहाँ पर CLI होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसको हम मेनली इधर प्रीफर करेंगे और हम मेनली उस पर ही काम करने वाले हैं। जैसे कि हम ओपन कर लेते हैं अपना टर्मिनल और यहाँ पर हम अपने सारे काम करने वाले हैं और इसको ही हम मेनली यूज करने वाले हैं। GUI को उतना हम यूज नहीं करेंगे जैसे कि हम विंडोज में यूज करते हैं मेनली GUI को, बट यहाँ पर हम अपने CLI को यूज करेंगे। तो इसके लिए हमको इसके साथ फ्रेंडली होना पड़ता है और इसके कुछ कमांड्स होते हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में, जैसे कि हु एम आई। सो गाइज, आप देख सकते हैं जैसे ही आप हु एम आई कमांड डालते हैं उसके बाद ये बता देगा कि आप है कौन या फिर आपका यूजर नेम क्या है। इसी तरह से हम और भी कमांड्स यूज करने वाले हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा इसके साथ फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ, उसके बाद हम देख लेते हैं ये, जैसे कि मेरा जो डेस्कटॉप स्क्रीन आ रहा है, जो बैकग्राउंड स्क्रीन आ रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। जिसको चेंज करने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर चेंज बैकग्राउंड पर क्लिक करें, उसके बाद ये ओपन हो चुका है। और जैसे आप जब स्टार्टिंग में इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये डिफ़ॉल्ट वाला सेटिंग मिलता है जहाँ पर आपका जो टर्मिनल होता है वो वाइट कलर में ओपन होता है। उसको हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस पर डार्क थीम रखा है ताकि मेरा सभी जो भी मैं यहाँ पर काम करूँ वो ब्लैक में दिखे। इसी तरह से आप अपना ये जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर सकते हैं। अभी मैं काली पर्पल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब आप इसको ओपन करते हैं स्टार्टिंग में तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखता है, ये वाला बैकग्राउंड दिखता है, जो कि मुझे उतना अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। तो इसमें मैंने चेक किया तो मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसको रख लिया। उसके बाद आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, इस अपने अनुसार यहाँ पर बैकग्राउंड रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर हम सारे अपने सर्च सेटिंग मिला सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर मल्टीटास्किंग दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे ऐप्स जो भी आपके काली पर इंस्टॉल्ड है वो सब दिखा देगा। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको दिख जाएगा सारे एप्लीकेशन के बारे में जो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद हम चले जाते हैं प्राइवेसी में, जो कि आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है साउंड, पावर, डिस्प्ले, माउस, टचपैड, कीबोर्ड, प्रिंटर, रिमूवल मीडिया, कलर, रीजन, लैंग्वेज, एसेसिबिलिटी, यूजर। और यहाँ पर यूजर में हम आते हैं, यहाँ पर आप अपने अनुसार यूजर ऐड कर सकते हैं। लाइक इफ़ आपका कोई ऑनलाइन अकाउंट है जहाँ पर आप काम करते हैं, आप अपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो आपको यहाँ पर फिर से चाहिए यहाँ, ताकि आप अपने न्यू डिवाइस में जो अपने पिछले जो भी अपने काम किए हुए हैं उसको आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकें, तो आप यहाँ से अपना पुराना यूजर ऐड कर सकते हैं। जिसको ऐड करने के लिए आपको पहले इसको अनलॉक करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको, जैसे कि आप मान लो विंडोज में इफ कोई फोल्डर ओपन करते हो या फिर कोई फाइल ओपन करते हो तो वहाँ पर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन मांगता है, जहाँ पर आपको उसको यस करना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पर भी होता है, आप इसको जब अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको सुपर यूजर का परमिशन मांगेगा, जिसको आपको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप अपना यूजर ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहाँ पर अपना डिफॉल्ट ऐप चेंज कर सकते हैं, अपने अनुसार रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप डेट और टाइम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका काली कितना हार्डवेयर, कितना मेमोरी, कितना प्रोसेसर, कितना ग्राफिक और क्या क्या यूज कर रहा है, वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब हम जानने वाले हैं अपने कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। तो इसके लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं
कुछ कमांड्स को, लाइक हु एम आई, इसको हम पहले ही कर चुके हैं, ये रन करने पे हमें दिखाता कि हम कौन है या फिर हमारा यूजर नेम क्या है। उसके बाद हम देख लेते हैं पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको जब आप रन करते हैं तो ये दिखाता है आप कौन से डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, लाइक अभी देखिए मैं होम और ब्लैक हैट के अंदर हूँ, तो इसने वो दिखा दिया। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर आखिर कौन कौन सी फाइल्स है, जिसके लिए हम डालेंगे लिस्ट कमांड, जिसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ls। उसके बाद हम इंटर करेंगे। सो गाइस ये रहा हमारे सारे फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स जो भी हमने क्रिएट किया हुआ है। तो आप ls कमांड लगाकर चेक कर सकते हैं सारे डायरेक्टरीज के बारे में। अब सपोज आपको यहाँ से किसी डायरेक्टरी में मूव करना है या फिर आपको कोई पार्टिकुलर डायरेक्टरी ओपन करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cd, लाइक मुझे डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो इसके लिए मैं cd लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिखूंगा डॉक्यूमेंट्स, या फिर उसको कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस जब देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी ओपन हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे आखिर हमारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन सी फाइल्स या फिर डॉक्यूमेंट्स है, उसके लिए भी हम ls कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं ls डालता हूँ, उसके बाद इंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास दो pdf है, एक वायरस pdf, एक होम ब्लैक हैट downloads.txt है। ये मैंने एक वायरस बनाया था मेटास्प्लॉइट की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आप pdf की मदद से किसी भी डेस्कटॉप और एंड्रॉयड को हैक कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे ट्यूटोरियल्स में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अब जान लेते हैं आखिर हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं, लाइक जो हमारे रिमोट में होता है ना, नॉर्मल अगर हम टीवी देख रहे हैं तो वहाँ पर बैक बटन होता है रिमोट में, उसी तरह से हम इससे कैसे बैक आ सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, जैसे कि cd स्पेस डॉट डॉट। इससे क्या होता है, ये आपको बैक कर देता है आपके प्रीवियस डायरेक्टरी थी उसके अंदर आपको पुआ देगा। उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस ये हमारा आ चुका है। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं आखिर हम कौन से डायरेक्टरी में, इसके लिए हम डालेंगे pwd, एंटर करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हम ब्लैक हैट डायरेक्टरी में आ चुके हैं फिर से। उसके बाद फिर अब हम जान लेते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में, जैसे कि अगर आपको किसी कमांड के बारे में पता है और आपको उस कमांड के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास ls कमांड है, अभी मुझे जानना है इससे ls से और भी मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, ls डालना है, उसके बाद डैश डैश, उसके बाद हेल्प, उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद ये आपको सारे कमांड्स दिखा देगा कि आप कौन कौन से यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, लाइक अभी मैं ऊपर जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि डैश ए है जिसको हम यूज कर सकते हैं ls स्पेस डैश ए। उसके बाद ये आप जो भी डायरेक्टरी यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारे ओपन कर देगा। उसी तरह से ls डैश कैपिटल ए है, उसी तरह से ये सारे कमांड्स हैं जिनका अलग अलग यूजेज है। सो गाइस ये सब आप देख सकते हैं और इसको अपने कंप्यूटर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम जान लेते हैं कुछ और कमांड्स के बारे में। सो गाइस ये थोड़ा लेंथी हो चुका है, इसको मैं अभी हटा देता हूँ, लाइक इसको मैं हटाने के लिए कुछ नहीं करूँगा, सिंपली क्लियर टाइप करता हूँ, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। ये सब क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लो आप जैसे विंडोज यूज करते हो तो वहाँ पर कुछ ऐप्स होते हैं या फिर कुछ फाइल्स होते हैं जिसको ओपन करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन देना पड़ता है। उसी तरह से लिनक्स में भी होता है, आपको इफ कोई टूल्स यूज करना है तो वहाँ पर आपको रूट यूजर या फिर सुपर यूजर का एक्सेस देना पड़ता है, जिसको ओपन करने के लिए हम sudo कमांड का यूज करते हैं। सो गाइस चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मेरे पास एक फोल्डर है, उसको मैं ओपन करता हूँ, देखते हैं वो ओपन होता है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा cat etc shadow, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परमिशन डिनाइड है। तो इसको परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर sudo डालेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ sudo सुपर यूजर, उसके बाद इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना काली का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैंने जैसे ही इसको इंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट काली आ चुका है, इसको सुपर यूजर एक्सेस मिल चुका है। और अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं कि ये ओपन होता है या नहीं। उसके लिए हम डालेंगे यहाँ पर cat etc shadow, उसके बाद हम इंटर करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं ये डायरेक्टरी ओपन हो चुका है। इसी तरह से मान लो आपको कोई एरर आ रहा है या फिर आप कोई टूल इंस्टॉल कर रहे हैं या उसको रन कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपका सुपर यूजर अलाउड है या नहीं है, क्योंकि मेनली जो हैकिंग टूल्स होते हैं उनको रूट एक्सेस चाहिए होता है अपना काम करने के लिए, इसीलिए हमको उनको रूट एक्सेस देना पड़ता है। सो गाइस अब हम इसी विंडो पर अलग टैब ओपन करके उस पर ट्राई करते हैं कि हमको वहाँ पर सुपर यूजर एक्सेस देना पड़ेगा या फिर नहीं। उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करेंगे। तो हमारे ये सेकेंड टैब ओपन हो गया है। अब इसमें हम वही सेम कमांड डालते हैं, देखते हैं ये ओपन होता है या नहीं। उसके लिए हम डालेंगे cat
etc shadow और अब हम इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी परमिशन डिनाइड है। और अब हम यहाँ पर sudo कमांड यूज करके ओपन करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। उसके बाद हम डालेंगे sudo cat etc shadow, अभी ओपन करते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डालना है काली का, उसके बाद इंटर करते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं ये sudo कमांड का पावर कि आप कैसे कोई भी जो परमिशन डिनाइड फाइल होता है, फोल्डर होता है, उसको ओपन कर सकते हैं जस्ट एक कमांड की हेल्प से। उसके बाद मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। सो गाइस आप लोग देख रहे थे कि मैं कैट कमांड का यूज़ कर रहा था, तो आप सोच रहे होंगे आखिर कैट कमांड का यूसेज क्या है। तो कैट कमांड का यूसेज ये है कि वो कोई भी फाइल या फिर डिक्शनरी को ओपन कर देता है। लाइक अभी हम कोई और फाइल ओपन करके चेक करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर डालूंगा ls, इंटर करूंगा। और यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फाइल हैं, तो इसमें से मैं कोई भी एक यूज करने वाला हूँ। सो मैं इसमें से demo.txt ओपन करने वाला हूँ, जिसके लिए हम यहाँ पर कमांड डालेंगे cat demo.txt। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे demo.txt में कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पर कुछ दिखा नहीं, तो इसके लिए हम अपना ही एक txt फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जिसके लिए हम कमांड डालेंगे touchabc.txt। उसके बाद हम इंटर करेंगे, ये हमारा txt फाइल क्रिएट हो चुका होगा, जिसको हम चेक करेंगे ls कमांड डाल के, इंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं abc.txt फाइल। तो अब हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करने वाले हैं, लाइक इसके अंदर कुछ टाइप करने वाले हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे माउस पैड abc.txt, इंटर करेंगे। उसके बाद ये हमारे GUI बेस्ड नोट पैड ओपन कर देगा, जिसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं या फिर अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीट रूट्स, उसके बाद मैं इसको इंटर कर देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ, इसको फुल स्क्रीन करते हैं। और अब इसको ओपन करते हैं और हम देखते हैं abc.txt के अंदर क्या क्या है, तो इससे हमें पता चलेगा कैट कमांड का यूज। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं कैट abc.txt, उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे txt फाइल में जो भी लिखा था उस वो यहाँ पर शो हो चुका है। तो इससे आप जान सकते हैं cat कमांड का यूजेस क्या है। सो गाइस अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और अब मैं इस सेशन को एंड करने वाला हूँ। और अगली वीडियो में हम और भी एडवांस कमांड्स के बारे में जानेंगे और कैसे CLI के साथ और भी फेमिलियर हो सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। सो गाइस टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।